पेरेंट्स हेयर टीम गुड मॉर्निंग। हम सब हमारी पाठ्यपुस्तक सेमुसी के तृतीय पाठ है गो दोहनम नामक पाठ को पढ़ रहे हैं। यह पाठ या यह नाट्यांश कृष्णचंद्र त्रिपाठी के द्वारा रचित चतुर्व्यूहम पुस्तक से संपादित किया गया है। इस नाटक में कई दृश्य हैं, जिनमें सबसे पहले हमने प्रथम दृश्य के दो बार के अंक को पढ़ा। अब हम जो द्वितीय दृश्य हैं, आज इसके दूसरे भाग को पढ़ेंगे। कल हमने द्वितीय दृश्य का जो पहला भाग था उसके बारे में पढ़ा था, तो एक बार पुनः वापस जो कल हमने पढ़ा था उसके बारे में पढ़ते हैं। तो प्रस्तुत नाट्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी के गो दोहनम पाठ से उद्धृत है। यह पाठ कृष्णचंद्र द्वारा रचित चतुर्गुण एकांकी संग्रह से संकलित है और इस नाट्यांश में मल्लिका के गंगा स्नान चले जाने पर चंदन की व्यवस्था के विषय में बताया गया है। तो कल जो हमने पढ़ा उस प्रकार से था, चंदन है, चंदन अस्तु ठीक है, गच्छ जाओ, सखी बीच से धर्म यात्राया आनंदिता च भाव, सखियों के साथ तीर्थ यात्रा से आनंदित हो, अहम सर्वम अपि प्रीपादयिष्यामि शिवास्ते संतु पंथा में, मैं सब संपन्न कर लूँगा तुम्हारी राय शुभ अथा कल्याणकारी हो। चंद्र चंद्र मल्लिका तो धर्म यात्राए गता, मल्लिका तो तीर्थ यात्रा के लिए गई। दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः सौ प्रातः राशस्य प्रबंधम करिष्यामि, ठीक है दूध दोकर तब अपने कलेवर का प्रबंध करूँगा। स्त्री वेशम धृत्वा दुग्ध पात्र हस्ते नंदन्या समीपम गच्छति, स्त्री वेश धारण कर दूध का बर्तन हाथ में लिए हुए नंदनी के या गाय के पास जाता है। उमा मातुलानी मातुलानी, मामी जी मामी जी, चंदन चंदन, उमे हे उमा, अहम तो मातुल है, मैं तो मामा हूँ। तव मातुलानी तो गंगा स्नानार्थम काशीं गता अस्ति, तेरी मामी जी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई हुई है। कथिए कहो किम ते प्रियम कुर्वाणी, कहो मैं तुम्हारा क्या भला करूँ। तो यह हमारा पहला था द्वितीय दर्शन, उसका था आज हम दूसरा पढ़ेंगे उसके बारे में। इस प्रकार से है, उमा मातुले पितामह कथयति, मासांतरम अस्मत् गृहे महोत्सव भविष्यति, तत्र त्रिशत शतकम् इतम् दुग्धम् अपेक्षिते यापेक्षिते, ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीय। चंदन है, प्रसन्न मनसा त्रिशत शतकम् प्रीमितम् दुग्धम् सोबलम् दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव इति पितामहं प्रति तव्य वक्तव्य। उमा धन्यवाद मातुलय, याम अधुना सा निर्गता। तो ये हमारा दूसरा था जिसके कुछ शब्दार्थ है उनके बारे में नजर डालते हैं। मातुलय मामा जी, पितामह है दादाजी, कथिति कहते हैं, मासे अंतरम एक माह पश्चात अस्मत् गृहे हमारे घर महोत्सव महाउत्सव, ऐसा व्यवस्था इसका इंतजाम
भविष्यति होगा। तत्र उसमें त्रिशत सेटकम इतम 30 लीटर दुग्धम अपेक्षति, दूध अपेक्षित है या दूध की आवश्यकता होगी। ऐसा व्यवस्था इसकी व्यवस्था बावदी भी करणिया आपको करना है। प्रसन्न मनसा प्रसन्न चित मन से त्रिशत सेटकम प्रेमितम दुग्धम 30 लीटर दूध शोभनम सुंदर या अच्छा दुग्ध व्यवस्था दूध की व्यवस्था भविष्यति हो ही जाएगी। इति पितामह प्रति ऐसा दादाजी से तव्य वक्तुम तुम कह देना। धन्यवाद मातुरे मामा जी आप धन्य हैं। यामी यज्ञा अब जा रही हूँ सा निर्गता वह निकल जाती है। ये ऐसे कुछ शब्दार्थ हैं। तो ये नाट्यांश भी हमारी पाठ्य पुस्तक से उसी के गोदोहनम पाठ से उद्धृत है। यह पाठ कृष्णचंद चंद्र रचित चतुर्भयम् एकाकी संग्रह से संकलित है। इस नाट्यांश में मामा चंदन को उमा महोत्सव के लिए दूध की आवश्यकता बताते हुए कहती है। तो अब इसका हिंदी अर्थ देखना। उमा उमा मातुले पितामह है कहते थे, मामा जी दादाजी कहते हैं, मासा अंतरम अस्मत् गृह महोत्सव भविष्यति कि एक महीने के बाद हमारे घर में एक बड़ा उत्सव होगा। तत्र त्रिशत सेटकम मितम दुग्धम अपेक्षते, वहाँ 30 लीटर दूध की आवश्यकता होगी। ऐसे व्यवस्था बावती भी करनिया, यह व्यवस्था आपको करनी है। चंदन है चंदन प्रसन्न मनसा प्रसन्न चित मन से त्रिशत सेटकम कप्रिमितम दुग्धम 30 लीटर दूध शोभनम सुंदर दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव इति पितामह प्रति तव्या वक्ता। दूध का प्रबंध होना ही है ऐसा दादाजी से आपको कह देना चाहिए। उमा धन्यवाद है धन्यवाद मातुलय मामा जी। यामी अधुना सा निर्गता अब जाती हूँ तो वह निकल गए। तो उमा मामा जी दादाजी कहते हैं कि एक महीने बाद हमारे घर में एक बड़ा उत्सव होगा, वहाँ 30 लीटर दूध की आवश्यकता होगी, यह व्यवस्था आपको करनी है। चंदन प्रसन्नचित 30 लीटर दूध बहुत अच्छा, दूध का प्रबंध होना ही है ऐसा दादाजी से आपको कह देना चाहिए। उमा धन्यवाद मामा जी अब जाती हूँ, वह निकल गई।